याद आ गया, मैं वो काम करके आता हूँ। ठीक, अब ये बिल्ला तो बताएगा नहीं, तुम ही बता दो जिमिन क्या हुआ। दरअसल बात ऐसी है जी कि वो सब तो ठीक है जिमिन, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने सुगा के ऊपर प्रैंक क्यों किया? वो बिल्ली बाहर से दिखाता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट है। वो मैंने वो प्रैंक किया था इसलिए कि वो मैं वो। अच्छा छोड़ो, सुगा तो ऐसे नहीं मानने वाला, मेरे पास एक प्लान है, इधर आओ। Approximately 10 hours later. अरे वाह जी, अब कितना अच्छा आइडिया दिया है तूने, तो तुम मास्टरमाइंड निकला। जिमिना, मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करके बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तुमने मेरे साथ ऐसा प्रैंक क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर करता हूं जिमिना, बहुत ज्यादा। कुकी, तुम आ गए, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन बहुत अच्छा था बाबू, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज जरा इधर आना ना। ओके मम्मी, मैं चलता हूँ। देखा नामजून कैसे किया जंगकुक ने, ना हाय ना कुछ भी, मैं चलता हूँ मम्मी, शादी के बाद तो मेरा बेटा ही नहीं रहा। क्या जीनू, तुम भी इतनी मॉडर्न होके पुरानी सोच रखती हो। याद है जब हमारी शादी हुई थी, हम भी तो ऐसे ही करते थे ना, और मेरी मम्मी तुम पे कितना गुस्साती थी। न्यू कपल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं भी ना कैसी कैसी बातें सोचने लगती हूँ। वैसे आप भी कभी कभी दिमाग की बातें कर देते हैं। मैं तो हर टाइम दिमाग का ही बात करता हूँ, लेकिन मेरा कोई सुने तब ना। मैंने कहा कुछ कहा? मैंने तो बस यही कहा कि तुम्हारी संगति का असर है ये, तुम्हारी संगति में रहते रहते मैं भी इंटेलिजेंट बनते जा रहा हूँ। अरे मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट हूँ, हमारे तीनों बच्चे तो मुझे पे गए, कितने इंटेलिजेंट है वो लोग। और मुझे ये भी पता है कि जिमिन और तयंग मेरे साथ रहते रहते इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अच्छा सुनो ना आरएम, मैं सोच रही हूँ कि नई नई बहू रानी आई है और बच्चे ना कहीं बाहर नहीं गए बहुत दिन से, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कहीं ले के जाया जाए। इधर आओ, कुशर 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 कुशर। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है जीनू, हे भगवान जी मेरे और मेरे बच्चों को बचा लेना। बाबू हम लोग नीचे डिनर करने जाएंगे ना, तो सबको बता देंगे कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ हाँ जंगकुक, पहले चलो तो सही, तब बताना ना, चलो जल्दी। A few moments later. तो सब लोग आ गए ना? हाँ मम्मी सब लोग आ गए, अब बताओ ना आप हमें क्यों बुला रही थी? हाँ मम्मी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी बताओ ना। हाँ आंटी जी, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्या बात है? वो मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा पहले मेरी बात सुन लो, तुम लोग खुशी से नाचने लग जाओगे। और वो बात ये है कि कल हम सब गाँव जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, हम लोग मजाक कर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, लेकिन मेरे बच्चों में तो बचपन से ही कॉमेडियन का रूप था। मेरे साथ भी आज बहुत बड़ा मजाक हो गया है। हाँ, मजाक ही कर रहे हैं। अकेला छोड़ सकती हो? कितने कोल्ड हो यार तुम बिल्लू, इतने कोल्ड हो कि कभी हाँ या ना में तो जवाब ही नहीं दिया, और मैंने इतना अच्छा नेकलेस लाके दिया, थैंक यू तक नहीं बोला, और हाँ मैं कब तक जवाब दोगे? गाय से बात कर लो ना तुम, गाय के साथ अच्छी बनेगी तुम्हारी। चिमिना प्लीज कैन यू लीव मी अलोन? नहीं जा रही, मैं क्या कर लोगे बताओ? जिमिन कैन यू प्लीज लीव मी अलोन, मुझे तुमसे बात करना नहीं पसंद। आई एम सॉरी जिमिन, मैं वो नहीं कहना चाहता था, मेरा वो मतलब नहीं था। जिमिना तुम रो रही हो, प्लीज मत रो। हाँ मैं रो रही हूँ, और सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम मेरे से बात करने में अनकंफर्टेबल थे, लेकिन फिर भी मैं इतना फोर्स करती थी तुम्हें बात करने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी शुगा, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई एम रियली रियली सॉरी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों किया। आई एम रियली रियली सॉरी जिमिन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा बिहेवियर ही ऐसा है। आई एम रियली सॉरी जिमिन, और मैं तुमसे बात करने के लिए इसीलिए हिचकिचाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलता। सॉरी कैसे बोलता तुम्हें? शुगा तुम रो रहे हो, शुगा तुम मत रो। चिमिना मुझे इसका आंसर ऑलरेडी पता है, और बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ? नहीं शुगा, तुम इतना सब होने के बाद ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बुलाऊँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू जिमिना, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच। वो सब तो